शैक्षिक नगरी के साथ अब रबाले को धर्म नगरी से भी परिचित कराते हुए आखिर पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे के नेतृत्व में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर रबाले भीमनगर में नए से निर्माण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार और कलशारोहण समारोह संपन्न हुआ, जहां इस मौके पर ऐरोली के विधायक गणेश नायक ने विशेष रूप से मौजूद रहकर पारंपरिक विधि के साथ कलश की पूजा की। साथ ही मौजूद थी पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावणे, पूर्व नगर सेविका डॉक्टर गौतमी सोनावणे। यहां गणेश नायक ने खुद मंदिर के कलश पालकी में सहभाग लेकर इस उत्सव की रौनक भी बढ़ाई, जहां बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने मंगला दर्शन और मंत्रोपचार से इस जीर्णोद्धार में जान डाल दी। अपनी संकल्पना और बेहतर विजन से रबाले का काया पलट करने वाले पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे के प्रयास से अब अपने विभाग से थाने बिलापुर मार्ग को जोड़ने वाले सड़क किनारे पदपथों को स्मार्ट पदपथ बनाने के कामों का भूमि पूजन भी यहां गणेश नायक के हाथों संपन्न। तो वहीं इस खास मौके पर पुराने पुतले के काया पलट करने के काम का भी भूमि पूजन संपन्न हुआ। गणेश नायक ने सुधाकर सोनावणे के कार्यों को सराहते हुए कहा कि रबाले की सूरत बदलने में सुधाकर सोनावणे ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। सुधाकर जी सोनावणे आपल्या शहराचे माजी महापौर आणि आपल्या शहराच्या माजी नगरसेविका रंजना सोनावणे यांच्या विद्यमाने त्यांच्या सहकार्याने या परिसरातलं शंकराच्या मंदिराचं जीर्णोद्धार झालं। आज त्या जीर्णोद्धाराचा कलशरोहण समारंभ संपन्न झाला आणि त्यामध्ये शेकडो मी हजारो म्हणणारे शेकडो लोक या आनंदामध्ये सहभागी झाले। उद्या महाशिवरात्र आहे, महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं हा भोला शंकर सगळ्यांची दुःख हरण करेल, सगळ्यांना चांगले दिवस आणेल असा विश्वास व्यक्त करतो। सुधाकर जी सोनावणे की मेरी जो परिचय हुआ हमारा 40 साल के पूर्व कालखंड में हुआ। उस वक्त से हम लोग इंसानियत की ओर सभी ने देखना चाहिए, धर्म जात पंथ वर्ण वर्ग इससे आगे जाके मानवतावाद को सम्मान देना चाहिए और वो विचारधारा सभी को एक साथ लेके जाती है। उसमें ही देश का विकास है, देश भी देश की अखंडता है, मानवतावाद का पूरा उद्धार उसमें ही है। और शंकर भगवान तो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर मतलब जो गलत चीज़ होगी उसका नाश करने का काम शंकर भगवान ने किया है। उसी दिन आज यहाँ पे रास्ते का नवनिर्माण करने का फाउंडेशन हो गया। अभी पुतला क्रमांक 2 वो पुतले का इलाके का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, वो भी करने के लिए हम आए हैं। अभी आपसे इजाजत लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले। वहीं पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे ने दोहरी खुशी के संजोग पर खुशी जाहिर करते हुए इसे अपनी जनता के लिए समर्पित किया। ऐसा है कि हे वर्षच खऱ्या अर्थाने लोकांसाठी या पूर्ण भारतवासियांसाठी एक नव संचार त्यांच्यामध्ये झालेला दिसतोय आणि त्यामुळे खूप वर्ष रखडलेलं शिवमंदिराचं जे काम आहे जीर्णोद्धाराचं हे या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे। खूप वर्षानंतर 5 वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर आम्हाला तो जो कारागीर आहे तो भेटलेला आहे आणि त्याने ते काम वेळेत पूर्ण केलेलं आहे। खरं तर कलशारोहण आज होईल, परंतु मंदिराचं काम आता उद्या शिवरात्री असल्यामुळे आज आपण घाईघाईमध्ये ते कलशारोहण करतो आहोत, परंतु पुढील काही दिवस ते काम पुन्हा चालत राहणार आहे। त्यामुळे आज आपण जरी या ठिकाणी शिवमंदिराचं या ठिकाणी कलशारोहण करत असलो तरी या ठिकाणी पुतळा क्रमांक 2 हे जे समाज मंदिर आहे याचं या ठिकाणी जो जीर्णोद्धार आहे याचं जे रिनिव्हेशन आहे खूप सुंदर पद्धतीने त्याचं आज भूमिपूजन केलेलं आहे। आंबेडकर नगरकडे ठाणे बेलापूर रस्त्यावरनं येणारा जो रस्ता आहे हा नव्या मुंबईतला सगळ्यात सुंदर पदपथ त्या ठिकाणी असेल मॉडेल, म्हणजे त्या पदपथावर लोकांना मोबाईल चार्जिंग करता येईल, तिथे बसता येईल, सोलर पॅनल असतील, असा सुंदर कामांचं भूमिपूजन हे देखील आज दादांच्या हस्ते झालेलं आहे। याच्यासाठी विशेष निधी महाराष्ट्र सरकारचा उपलब्ध झालेला आहे, त्यामुळे हे काम या ठिकाणी होत आहे। मी महाराष्ट्र सरकारचे आदरणीय दादांचे देखील मनपूर्वक आभार मानतो आणि खरं तर एक पुण्य लागतं एका जीवनामध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी साध्य करणं आणि हे सर्व माझ्या या ठिकाणच्या सहकाऱ्यांमुळे मला शक्य झालेलं आहे। राम मंदिराचा जीर्णोद्धार असेल, शिवमंदिराचा जीर्णोद्धार असेल, वाल्मिकी मंदिराचा जीर्णोद्धार असेल, बुद्धविहाराचा जीर्णोद्धार असेल, हे सगळं करण्याची खरं तर मला संधी मिळते याच्यासाठी मी मला स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो। या ठिकाणच्या जनतेला याचं सर्व श्रेय देतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। ब्युरो रिपोर्ट, EW नेटवर्क।